महाराज, मुझे इसमें किसी षड्यंत्र की गंध आ रही है। जो राज परिवार के अधिकार का पण गायब कर सकता है वह सामान्य प्रजा को तो लूट ही लेगा। पता नहीं कब से यह घात चल रहा होगा। राजपुरोहित, इसका निर्णय अभी हो जाता है सम्राट। क्या आप राजकोष के रक्षक हैं? हाँ देव। राज्य की ओर से मिलने वाली वृत्ति के वितरण की व्यवस्था क्या आप करते हैं? हाँ देव। क्या आपको पता है कि वृत्ति के पणों में से एक एक पण कम है? हाँ देव। क्या इसके उत्तरदायी आप हैं? नहीं देव। इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति का आपको पता होना चाहिए। हाँ देव। क्या आपको पता है? नहीं देव। तो दोषी कौन है? मैं नहीं जानता देव। तो कौन जानता है? महामंत्री शक्तार देव। शक्तार कहाँ है? मुझे पता नहीं देव। महामंत्री, मेरे पुत्र अंगद का कुछ पता चला? मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। इतना कहने के लिए महामंत्री को स्वयं आने की क्या आवश्यकता थी? किसी भी सेवक के हाथों संदेश भिजवा दिया होता तो भी आपके राजकीय उत्तरदायित्व का निर्वाह तो हो ही जाता। मैं लज्जित हूँ। लज्जा मंत्रियों को शोभा नहीं देती महामंत्री। क्यों अपनी परंपरा को तोड़ रहे हो? धीरज रखें। कैसे धीरज रखूं मैं महामंत्री? कैसे अंगद की पत्नी को विश्वास दिलाऊं कि वो अभी तक विधवा नहीं हुई है? महामंत्री, क्या मेरा पुत्र जीवित है? मैं ढूंढ रहा हूँ उसे। तुम जा सकते हो महामंत्री, हमें तुम्हारी सहानुभूति की कोई आवश्यकता नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। ठहरो महामंत्री, अपने राजकीय कर्तव्य का पालन किए बिना तुम कैसे जा सकते हो? तुमने अभी तक मुझे यह आश्वासन नहीं दिया कि सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। मगर मैं अपने कर्तव्य का पालन करना जानती हूँ। ये लो। अगर तुम जानते हो कि मेरा पुत्र अंगद कहाँ भूमि में गाड़ दिया गया है, कहाँ मार दिया गया है, तो वहां उस भूमि पर यह वस्त्र जरूर उड़ा देना। इससे हम बूढ़ों को थोड़ी शांति मिल जाएगी। वेनंतो अभ्यचक्षतत्वा हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं हिरण्यं। Thank you.
रामदेव। महामंत्री, आप मगध के महामंत्री हैं। सभी जानते हैं देव, पर क्या मगध के महामंत्री जानते हैं कि किसी भ्रष्टाचारी का हाथ मगध के राजकोष तक पहुंच रहा है? नहीं देव। और यदि मगध के अर्थतंत्र में कोई अव्यवस्था अथवा भ्रष्टाचार दिखाई दे तो उसके लिए उत्तरदायी कौन है? मैं मगध का महामंत्री महामात्य। तो क्या आप जानते हैं कि मगध के राजकुल को मिलने वाली वृत्ति के धन में से एक एक पण किसी ने चुराया है? मात्र एक पण? आपको आश्चर्य हो रहा है? इसमें आश्चर्य की क्या बात है वक्रनास? जिस प्रकार पानी में रहने वाली मछलियां कब पानी पी लेती हैं ये बताना कठिन है, उसी प्रकार मुद्रा विनिमय करने वाले अधिकारी कब मुद्राएं हड़प कर लेंगे यह बताना भी कठिन है। महामंत्री, आपके तर्क सुनने के लिए मंत्री परिषद के पास समय नहीं है। हम उत्तर चाहते हैं। कैसा उत्तर महाराज? क्या आपने राजकुल की वृत्ति के पणों से एक एक पण नहीं चुराया है? तो आप उस भ्रष्टाचारी के हाथों को पकड़ना चाहते हैं और महाअमात्य वक्रनास इस अव्यवस्था व भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं? मात्र एक पण के लुप्त हो जाने से सारा मंत्री परिषद चिंतित है ना? परंतु मैं मगध का महामंत्री मंत्री परिषद से पूछना चाहूंगा कि राजकोष से लाखों स्वर्ण मुद्राएं लुप्त हैं, उसके लिए उत्तरदायी कौन है? क्या मगध के मंत्री परिषद को एक से अनेक पण कम होने के महत्व को समझाना पड़ेगा? आप विषय बदल रहे हैं महामंत्री। जब जब सच की बात होती है तो लोग यही कहते हैं वक्रनास, सच और झूठ का निर्णय करने का अधिकार न्यायालय का है। तो क्या मैं महाराज धनानंद से सच जानने का प्रयास भी नहीं कर सकता? ऐसी अवस्था में प्रश्न बहुत व्यक्तिगत हो जाता है। देव मुझे क्षमा करे। प्रणाम देव। राजपुरोहित, जिस प्रश्न का संबंध मगध से हो वो व्यक्तिगत कैसे हो सकता है महामात? महामंत्री, क्या कहना चाहते हो कहो। महाराज, धरती को बीज की आवश्यकता है, स्वर्ण मुद्राओं के कलश की नहीं। यदि धरती को पर्याप्त बीज मिले तो धरती पर सोना ही सोना लहला उठेगा। बस इतना ही? स्वर्ण मुद्राएं मागदों की संपत्ति है महाराज। एक एक मुद्रा मागदों के रक्त कणों व श्रम कणों की देन है। वो निधि राजकोष में ही सुरक्षित रह सकती है। बस तुम्हारी बात समाप्त हो गई? आप प्रजा के साथ विश्वासघात कर रहे हैं देव। आज तुम बहुत ऊंचे स्वर में बोल रहे हो शक्तार। मागध तो ऊंचे स्वर में बोलने के लिए प्रसिद्ध है देव, परंतु आज मेरे स्वर में सत्य की कठोरता ज्यादा है। क्या तुम सत्य को प्रमाणित कर सकते हो? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि राजकोष से लाखों स्वर्ण मुद्राएं लुप्त हुई हैं? न्याय व प्रजा का मुख तो आप हैं देव। मैं नहीं जानता कि धरती का सीना चीर कर वह स्वर्ण मुद्राएं सच का प्रमाण देंगी या नहीं, पर इतना जरूर जानता हूं कि जहां आपके सारथी अंगद व आपके सेवकों का रक्त गिरा है वो धरती जरूर रंग लाएगी। आज्ञा दे देव। स्वयं को संभालना शक्तार। राजकुल के अधिकार के पण लौटा रहा हूं देव, और मगध के अधिकार के पण बार बार मांगूंगा। Oh,
मद्रालय के स्वामी तुम ही हो? हाँ, क्यों? शिशुपाल नाम के किसी व्यक्ति को जानते हो? यहाँ तो हर दिन कई लोग आते हैं। अच्छा, लेकिन आप कौन है? अभी पता चल जाएगा। मेरी आपसे एक प्रार्थना है महामंत्री। तुम्हारी किसी योग्य प्रार्थना को आज तक मैंने अस्वीकार किया है शिशुपाल? तो आज आप मेरे लिए मगध की सीमा से सुरक्षित बाहर निकलने की व्यवस्था करवा दें, मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। शिशुपाल, यदि तुम जैसा साहसी पुरुष भी धीरज छोड़ देगा तो मगध माटी के लिए प्राण देने वालों को कहां से लाएगा? पर इसी तरह से चलता रहा महामंत्री तो मुझ जैसे कईयों को मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा, मरने के बाद चिता को आग तक नहीं मिलेगी। कुछ करिए देव, मरघट पर भी एक शव आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। शव? संत्वा सिंचा मे यजुषा प्रजा मायुर्धनंचा ओम शांति 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 परे युवागं संप्रवतो महीरनु बहुग्ध पंथा मनपस्पशानम् वैवस्वतगुं संगमनंजनानां यमगुं राजानगुं हविषादुवस्यता इदंत्वा वस्त्रं प्रथमं वागन्नपैतदूहयदिहा विभवपुरा इष्टापूर्तमनुसंपश्य दक्षिणाय प्रणाम महामंत्री। यही मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। हाँ देव। शव का अग्नि संस्कार क्यों नहीं किया गया? आज्ञा नहीं है देव। क्या मृतक के मृत्यु के संबंध में कोई छानबीन हो रही है? नहीं देव। तो फिर किसकी आज्ञा की प्रतीक्षा है तुम्हें? महामंत्री ही नियम बनाते हैं और महामंत्री ही नियम भूल जाते हैं। आप ही ने तो आज्ञा दी है। चंडाल, झूठ बोल रहे हो तुम। किसने तुम्हें यह सूचना दी? मुझे तो आज्ञा मिली थी देव की लकड़ी पर कर ना चुका सकने की अवस्था में किसी को भी लकड़ियां ना दी जाएं
और आज्ञा तो आप ही के नाम दी जाती है महामंत्री। ये सच ही कह रहा है महामंत्री। पर ऐसी मैंने कोई आज्ञा नहीं दी है शिशुपाल। कैसे कोई रोक सकता है मृत्यु के पश्चात अग्नि संस्कार के नैसर्गिक अधिकार को? महामंत्री देख ही तो रहे हैं। तो क्या आज्ञा है देव? मात्र 5 पद। मगध का पतन यदि इसी गति से चलता रहा तो तुम्हें और पणों की आवश्यकता पड़ेगी। और किन किन वस्तुओं पर कर लगाया गया है शिशुपाल? लकड़ी के अलावा पत्थर, गोंद और चमड़े पर महामंत्री। महामंत्री लगाने का विचार है? इतना ही साहस है तो जाकर धन्नन से पूछो। शिशुपाल, महामंत्री, सारे मगध में आग लगाने की आज्ञा क्यों नहीं दी? क्या नए कर लगाने से पहले महाराज ने मेरी आज्ञा ली थी? फिर क्यों करों की वसूली के लिए नए अधिकारियों की नियुक्ति किया गया मुझे दी जा रही है? नए अधिकारियों की नियुक्ति मुझे करनी है, क्यों करूं मैं? भामिनी, मैंने कहा था ना स्वामी, एक दिन हमें मगध छोड़ना पड़ेगा। आज वो दिन आ गया है,
पर ऐसा मैंने क्या किया है कि जिसके लिए हमें मगध छोड़ना पड़े? स्वामी, राजनीति में अपने स्वामी और अपने से सामर्थ्यशाली व्यक्तियों के दोष ढूंढना अपने विनाश को आमंत्रण देना है, और मैं अपने परिवार का विनाश नहीं होने देना चाहती। तो तुम भी चाहती हो कि मैं कार्यों की तरह पलायन करूं? हमें हमारे भविष्य की चिंता है पिताजी। मगध के भविष्य में ही तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है बेटे। मगध का भविष्य लिखने का अधिकार तुम्हारा है, मगध के हित में ही तुम्हारा हित। आप पूरे मंत्री परिषद से अकेले नहीं लड़ पाएंगे पिताजी। लड़ना किससे है बेटे, वे भी तो अपने हैं। मुझे उनसे नहीं, उनके अहंकार से लड़ना है, उनके अज्ञान से लड़ना है। जहां सिर्फ तलवार की भाषा समझी जाती है, वहां आपकी कोई नहीं सुनेगा पिताजी। इस लड़ाई में शक्ति नहीं, सत्य निर्णायक होता है बेटे। मेरी शक्ति तो तुम सब। और यदि फिर भी तुम जाना चाहते हो तो जाओ। शक्तार मगध की भूमि पर पैदा हुआ है, वहां मगध की भूमि पर ही मरेगा। आप परिस्थितियों की गंभीरता को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं पिताजी। तो खड़े क्यों हो? जाओ, निकल जाओ यहां से, जाओ। तुम अपने पिता का त्याग कर सकते हो, परंतु मैं अपनी मां का त्याग नहीं कर सकता। जाओ। सुनो, सारा सामान भीतर ले आओ। जाइए, आप भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करिए। किंतु सावधान रहिएगा। सबसे ज्यादा सावधान तो हमें स्वयं से रहना है भाविनी, क्योंकि सत्य की रक्षा का युद्ध कहीं स्वार्थ की रक्षा का युद्ध ना हो जाए। आज तक एक बात नहीं समझ पाई हूं कि कुरुक्षेत्र में निर्णय सत्य ने किया था या शक्ति ने। सुनिए, इसे तो आप भूल ही गए। शिशुपाल, आज से तुम यहीं रहोगे। जिस प्रकार पानी में रहने वाली मछलियां कब पानी पी लेती हैं यह बताना कठिन है, उसी प्रकार मुद्रा विनिमय करने वाले अधिकारी कब मुद्राएं हड़प कर लेंगे यह भी बताना कठिन है। तो आप उस भ्रष्टाचारी के हाथों को पकड़ना चाहते हैं, और महामात्यवकनास इस अव्यवस्था व भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं, है ना? क्यों राजपुरोहित, आपको तो बड़ी सहानुभूति है महामंत्री शक्तार से। मैं समझता हूं कि हम यहां जनहित का चिंतन करने आते हैं, न कि किसी का उपहास करने के लिए। चिंतन पर भृत्ति में से एक पण कम होने पर आप भी तो दौड़े आए थे राजपुरोहित। महामंत्री, क्या नए कर वसूल करने की व्यवस्था हो गई? महामात्य, कर वसूली के लिए मैं अभी तक योग्य डाकुओं को ढूंढ नहीं पाया हूं, इसलिए नियुक्ति में थोड़ी देर हो रही है। कर वसूली के लिए क्या आप डाकुओं को नियुक्त कर रहे हैं? हाँ, चिता में जलने वाली लकड़ियों पर कर मांगने का साहस एक डाकू ही कर सकता है। मगध के गांव की निर्धन माताओं से कर ना मिल पाने की अवस्था में लकड़ियां छीनने का साहस एक डाकू ही कर सकता है।
नीम के पत्थर पर कर ना मिले तो किसी का घर उजाड़ने का साहस एक डाकू ही कर सकता है। इसलिए मगध के मंत्रिपरिषद से मेरा निवेदन है कि राज के कारावास में बंद डाकुओं को छोड़ दिया जाए और उन्हें कर वसूलने का काम सौंपा जाए, और यदि वो भी इनकार कर दें तो यहां उपस्थित अमात्य व मंत्रीवर्ग इस उत्तरदायित्व का वहन करें। शक्ता, तुम मगध के मंत्रिपरिषद की तुलना डाकू से करने का दुस्साहस कैसे कर सकते हो? दुस्साहस? मुझे तो अब संदेह होने लगा है कि मगध की सत्ता कहीं डाकुओं के हाथों में तो नहीं है। शक्ता, चीखो और चीखो, परंतु उससे पहले मगध के इस मंत्रण कक्ष के समस्त द्वारों एवं समस्त वातायनों को खोल दो, ताकि पाटलिपुत्र की प्रजा यह देख सके कि उन्हें भय अग्नि तथा जल प्रलय से नहीं बल्कि हम जैसे गृह शत्रुओं से है। सुनने तो उन्हें भी, मंत्रणा के नाम पर रचे जा रहे यहाँ प्रजा के शोषण के षड्यंत्र का एक एक स्वर। जा रहे हो सब? आज कोई मुझसे प्रजा के हित की बात नहीं करेगा। शुभ हो सकता है शुभराज, यदि इसी प्रकार सब चलता रहा तो मगध के कई घर मरघट बन जाएंगे। कौन बताए उन्हें कि जो नमक वे खा रहे हैं उसमें कुछ खारापन मागदों के आंसुओं का भी है। कैसे शुभ हो सकता है, कैसे शुभ हो सकता है शुभराज।